पर यार अगर आप कोई ऐसे शख्स हो, फैमिली का ख्याल रखते हो, इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो और घर को संभालते हो, अपने मजे भी लेना चाहते हो यार, बहुत ऑनेस्ट हो और ईमानदारी से पैसा कमा रहे हो, दिल के साफ आदमी हो और ज्यादा सरदर्द किच-किच पिच-पिच नहीं चाहिए, तो बात करते हैं नेक्सॉन कर्व और 3XO की, जो इन तीनों कार्स में कंफ्यूज है लोग कि भाई इन तीनों में से कौन से ले, या फिर क्रेटा, ग्रैंड विटारा, नेक्सॉन CNG, इन सारी कार्स की तरफ चले जाएं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आई होप मेरे सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। आज हम बात कर लेते हैं यार कि जो टाटा की कर्व कार आ रही है इसका इंतजार करें, क्योंकि ये जो कार है देखो 4300 mm की कार है, इसकी जो डायमेंशन है बहुत बढ़िया है और जिस तरीके की ये कार आ रही है भाई, ये काबिले तारीफ कार है। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे अपने देश की कंपनी ये कार लेकर आ रही है और बहुत सुंदर कार बनाई है, काफी फ्यूचरिस्टिक लगी मेरे को। मैं बिल्कुल भी बुराई नहीं करूंगा इस कार की, मुझे इसके एलॉय काफी अच्छे लगे, एलॉय देखकर भाई मुझे स्पाइडरमैन की याद आ गई और काफी अच्छा डिजाइन, मतलब इमेजिनेशन की बात है कि भाई एलॉय व्हील्स में भी स्पाइडर पैटर्न डाला जा सकता है। चलो खैर ये तो नॉर्मल बात है, अब हम मेन चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, जो टाटा कर्व है इसके जो प्राइम कंपेटिटर्स होंगे सारी 4300 mm की कार्स होंगी। अब ये कौन कौन सी कार है, हाई राइडर, क्रेटा, ग्रैंड विटारा, सेल्टोस। अब दोस्तों यहाँ पर जो टाटा की कर्व है ना, दिस इज टोटली न्यू थिंग, कूप SUV है भाई ये बिल्कुल। बसाल्ट जो अरे सेट्रॉन की, वो इसकी कंपेटिटर है। अब बसाल्ट के तो मैं भाई अभी बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि टाटा कर्व के आगे वो कहीं स्टैंड नहीं करती, मुझे कोई क्लू भी नहीं है कि भाई सेट्रॉन करी क्यों रही है। आप कोई हिट कार तो नहीं, पहले छोटी कार तो बेच लो अच्छे से यार, उसके बाद आप सोचना सीधा ही भाई टाटा को कम्पीट करने के लिए। चलो यार जो उनकी मर्जी है वो बाद में बात करेंगे। गजब बेइज्जती है दोस्तों। देखो जो टाटा कर्व है ना, अभी नेक्स्ट मंथ ही लॉन्च हो जाएगी। एक चीज जो कंफर्म है, इसके जो प्राइसेस हैं थोड़े से ज्यादा होंगे। आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई क्रेटा और विटारा जैसे सेल्टोस वाले रेट हो, तो थोड़े से आपको उससे ज्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि इस कार की रोड प्रेजेंस भी ना काफी अच्छी लगेगी। पर फिर ये आपकी ना वो ट्रेडिशनल जो आपकी SUV वाली वाइब है उससे थोड़ी सी अलग ही रहेगी, क्योंकि ये कूप SUV है। अब दोस्तों यहाँ पर ना दो तरीके के नजरिए आएंगे और मैं चाहूंगा आप दोनों को अच्छे से समझो, और समहाउ एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ना पैसा इन्वॉल्व है। तो जिन लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कमेंट्स में भी, तो मैं उन सब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप समझे इस बात को। मेरी नज़रों में मैं अगर आपको पर्सनली रेकमेंड करूँ, अगर देखो आपका जो मंथली इनकम है वो 65,000 रुपये के आसपास है या फिर मैक्सिमम 75,000 रुपये के आसपास है और उससे नीचे ही है या फिर, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप कर्व हो गई या फिर थार रॉक्स हो गई, इन तरीके की कार्स पे मत जाओ, वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें माइलेज की, माइलेज भी देखो कार में पावर बहुत ज़्यादा है टाटा कर्व में, तो डेफिनेटली आपको माइलेज नहीं मिलेगी। सो मैं यहाँ पर पैसों को लेकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरा चैनल है ऑनेस्ट और मैं करता हूँ बहुत लॉजिकल बात, और अगर किसी को मेरी बात ना भी अच्छी लगे तो कोई इशू नहीं है, आप अभी के भी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं वीडियो बना ही उनके लिए रहा हूँ जो बाद में ना पछताए ना, क्योंकि जब मुझे कमेंट आता है ना यार कि मैंने ये कार ले ली, मुझे माइलेज ही नहीं आ रही, इसके कॉस्ट बहुत महंगे हैं पार्ट्स की, या फिर मतलब सर्विस कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है इस ब्रांड की मुझे। अब मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहता, पर टाइमली मैं वीडियो डालते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऑनेस्ट और लॉजिकल एडवाइसेस चाहिए हो। तो दोस्तों कर्व मैं उनको ही रेकमेंड करूंगा जो लाख रुपए के आसपास मंथली उठा रहे हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आपके कोई सैलरी हो, किराया आ रहा हो, जो भी है, मतलब आपको कहीं से इतने फाइनेंसेस आ रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले देखो शुरुआत में ही कॉस्ट ज़्यादा है, उसके बाद डेफिनेटली कार के अंदर फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत प्यारी कार है यार। देखो अच्छी कार ना देखो महंगी तो होती है, इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है, और जल्दबाजी में फैसला मत लेना। अगर आप ये सोच रहे थे कि यार मैं क्रेटा लेने वाला हूँ, आपका 13-14 लाख रुपए का बजट था, 5-6 लाख रुपए लोन आप तभी बढ़वाना जब आप उसको इजिली पे कर पाओ, ऐसी सिचुएशन में मत चले जाना। कैलकुलेट कर लेना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, पहले ही कैलकुलेट कर लेना कि भाई मैं महीने में कितनी कार चलाता हूँ, कितना पेट्रोल लगेगा, सर्विस कॉस्ट वगैरह मुझे क्या पड़ने वाली है, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप कर्व की तरफ आगे बढ़ना। दोस्तों अगर इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की हम बात करें, स्पेशली अगर मैं बात करूं जो कार्स बिकती हैं, जो प्राइम कार्स हैं, मेरे चैनल पे मंथली हम रिपोर्ट डालते हैं, आपने नोटिस करा होगा कि प्राइम कार्स जो सबसे ज़्यादा बिकती हैं वो कौन सी है, आपको मिलेगी नेक्सॉन, ब्रेजा, पंच जो कि टॉप सेलर है, क्रेटा, ये चार नाम आपको ना हाईएस्ट दिखेंगे बिल्कुल टॉप पे। 3XO भी आई है, पिछली बार 10,000 थे, फिर 9,300 हो गई थी, अब देखते हैं इस बार क्या नंबर आएगा, तो अभी वो वहां नहीं पहुंचे फिलहाल। दोस्तों अगर आप इन कार्स के नंबर्स को समझोगे, आप इन सारी कार्स को देखो, इनमें सबसे महंगी ना क्रेटा है। अब ये जो क्रेटा हाईएस्ट बिकती है, मुझे ये नहीं लगता कि भाई सारे टॉप मॉडल ही बिकते होंगे, तो इसमें बेस, मिड सारे मिक्स होंगे और टॉप कम ही होंगे। मेरे अकॉर्डिंगली 30% मान लो टॉप होते होंगे, 30% का रेशो ले लो आप। तो यहाँ पर साइकोलॉजी क्या निकल कर आती है, जो हाईएस्ट सेलिंग कार्स होती हैं वो वही कार्स होती हैं जो बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता हो, मैनेज कर सकता हो। पर कर्व के केस में ना ऐसा नहीं है, तो ये पहली बात तो बेस्ट सेलर नहीं बनेगी अगर इसका प्राइस 15 लाख से
ऊपर जाने वाला है तो बहुत मुश्किल से बेस्ट सेलर बनेगी, और अगर बन भी गई दोस्तों तो उनको ही लेनी चाहिए जो इसे मैनेज कर पाए। तीसरा दोस्तों जो डिसएडवांटेज है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप क्रेटा लेते हो, क्रेटा लेके बेचोगे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, नेक्सॉन लेके बेचोगे, आप ब्रेजा लेके बेचोगे बहुत अच्छे रेट मिलेंगे, सेल्टोस के भी मिल जाएंगे, पर टाटा के कर्व में ना बंदे घबराएंगे। अगर आप ही को पसंद नहीं आई, कई बार होता है हमें पसंद नहीं आती कार, तो उस केस में ना आपका पैसा थोड़ा सा अटकेगा। तो मैं इसीलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूं, अगर आपकी पॉकेट, देखो मैं ओपनली समझाता हूं, मेरे को टाटा कब ना पसंद आ गई, मेरा मन करा मैं बुक भी कराऊं, क्योंकि मुझे टाटा से जो कंप्लेंट रहती थी ना, मुझे टाटा का इंजन उतना जमता नहीं था, मुझे स्लाइटली वाइब्रेशन फील होती थी। अब उन्होंने इंजन कर दिया भाई चेंज, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है टाटा की, मुझे सर्विस से कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम ऐसे बंदे हैं, हम अपना लड़ झगड़ के काम करवाई लेते हैं, तो सर्विस भी मैं करवाई लूंगा टाटा की, कोई दिक्कत नहीं है, तो गेम कहाँ बचती है। पर अगर मैं इस कार का जो प्राइस देखता हूँ ना, तो मुझे इतना ना जमी नहीं वो कार। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिट्रोन ने शायद बसॉल्ट निकाली है, क्योंकि जिसको कर पसंद आ गई पर उसका बजट नहीं बन रहा ना, शायद वो जा सकता है बसॉल्ट की तरफ, काफी मुश्किल चांसेस है। पहली बात तो लोग टाटा की कार छोड़ के बहुत रेयरली ही है कि सिट्रोन पे जाएंगे, और कहीं ना कहीं महेंद्र धोनी की शक्ल उन्होंने इसलिए डाली एड में कि महेंद्र धोनी भाई को देख करके यार चलो क्या पता इंप्रूवमेंट आ रहा हो, तो एक एक काउंटर सेल पाथ हो सकता है इनका कि भाई इस तरीके से काम बने। पर हम वापस आते हैं भाई मेन कार्स पे। विटारा पे पैसे लगाने का मतलब है आपने काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट करी, विटारा की हाईएस्ट रीसेल है और उसके बाद क्रेटा की बहुत अच्छी रीसेल है। दोस्तों अगर मैं हाई राइडर की बात करूं तो हाई राइडर की रीसेल उतनी अच्छी तो नहीं है, पर अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसको टोयोटा की कार पसंद हो, वो आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकता है हाई राइडर का। तो दोस्तों बातें कंक्लूजन पे, पहली बात तो ये आएगी ईवी में, अगर आपको ईवी ही लेनी थी ना तो भाई ले लेना, क्योंकि इससे बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। ईवी में ना ज्यादा रट्टेबाजी नहीं है, माइलेज देखो डिफाइंड है पहले से ही, उसमें तो भाई चार्ज ही होनी है, तो अपना जो माइलेज कंपनी ने बोल दी चलाते रहो। अब माइनर चीजें हो सकती हैं, वो हर कार में आती हैं, 3XO में भी दिक्कतें आ रही थी आपको पता है, जब नेक्सॉन आई थी उसमें भी शुरुआत के दिनों में फिट एंड फिनिश के इशू ये वो सब आ रहा था। अब हो सकता है कि कर्व में माइनर चीजें आ जाएं, पर फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा आप टाटा की कर्व भाई ले लेना, और बजट के अकॉर्डिंगली लेना। अगर आपका बजट बैठता हो ना भाई, मैं तो बिल्कुल बोलूंगा ले लेना टाटा कर्व, इतने बड़े इंजन आ रहे हैं, बिल्कुल धासो चीज आ रही है, तो फिर क्या ही कहने हैं। किनको नहीं लेनी चाहिए भाई, अगर आप बजट बना रहे थे अपना ब्रेजा के आसपास का, नेक्सॉन के आसपास का, 3XO मैक्सिमम आप 11-12 का बजट बना रहे थे, वो भी आपने काफी हार्ड एंड मनी जोड़ा हुआ है, अब आप चाह रहे हो भाई मैं कर्व ले लूं जाके, उनको मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। तभी रेकमेंड करूंगा भाई कहीं से मोटा पैसा आ रहा हो, कोई आपकी जमीन वमीन बिक रही हो, आप मैनेज कर लोगे तो ले लेना यार, जिंदगी एक बार मिलती है फिर तो मजे ही मजे हैं। पर यार अगर आप कोई ऐसे शख्स हो, फैमिली का ख्याल रखते हो, इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो और घर को संभालते हो अपने, मजे भी लेना चाहते हो यार, बहुत ऑनेस्ट हो और ईमानदारी से पैसा कमा रहे हो, दिल के साफ आदमी हो और ज्यादा सरदर्द किच-किच पिच-पिच नहीं चाहिए, तो फिलहाल के लिए कर्व की तरफ ना जाया जाए तो ज्यादा समझदारी है। दोस्तों बात करते हैं नेक्सॉन कर्व और 3XO की, जो इन तीनों कार्स में कंफ्यूज है लोग कि भाई इन तीनों में से कौन से ले। देखो नेक्सॉन का ही काइंड ऑफ वर्जन है कर्व, उसी का प्लेटफॉर्म है ऑलमोस्ट देखा जाए तो। और मैं अगर आपको जनरली अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, अगर आप पहली कार खरीद रहे थे नेक्सॉन, तो नेक्सॉन ही लेना। अगर आपने पहले कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी चलाई हुई है उसके बाद आप नेक्सॉन ले रहे थे, तो नेक्सॉन लेने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर कर्व की तरफ चले जाना आप, क्योंकि आपका बजट भी बनी गया होगा। सिंपल वर्ड्स में अगर आप फर्स्ट टाइम बायर थे ना और आप नेक्सॉन लेना चाहते थे, तो पहले नेक्सॉन लो, उसके मजे लो, उसके बाद थोड़ी बड़ी कार में मूव करोगे, क्योंकि पहले यार कॉम्पैक्ट एसयूवी तो चलाओ, अपना हाथ वगैरह सेट कर लो। और मैं ये सेम सलाह 3XO के केस में भी दूंगा, अगर आप पहली बार 3XO ही ले रहे थे सीधी अपनी फर्स्ट कार, या फिर इससे पहले जो आपने कार्स चलाई थी, आप चला रहे थे i10, स्विफ्ट डिजायर, इस तरीके की कार आप चला रहे थे, हैचबैक या फिर सेडान, कॉम्पैक्ट सेडान, तो उस केस में भी भाई मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा। पर अगर आप ऑलरेडी कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी थोड़ी बड़ी कार चला के आए हुए हो, इकोस्पोर्ट टाइप, इकोस्पोर्ट चलाई हुई है आपने, या फिर कोई ऐसी कार जो पहले थोड़ी सी ऊंची कारें आती थी कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप कोई भी, तो उस केस में भाई दोबारा से कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना कोई समझदारी नहीं है, आपका बजट भी बनी गया होगा तभी आप बड़ी कार की तरफ जा रहे थे, तो टाटा कर्व की तरफ भाई डेफिनेटली आप जा सकते हो। टाटा कर्व एक फ्यूचरिस्टिक कार है भाई, आने वाले ना कुछ टाइम में आपको इसी तरीके की कार्स दिखेंगी, और ये बनता भी है। देखो पहले माइक्रो एसयूवी चल रही थी, माइक्रो एसयूवी के बाद भाई दबा के कॉम्पैक्ट एसयूवी चलने लग गई, अब काफी सालों से कॉम्पैक्ट एसयूवी चल रहा है, तो शायद अब टाइम आ चुका है कि भाई कूप एसयूवी में जंप करा जाए। और जैसा मैंने कहा भाई, जिसका बजट बनता हो बिल्कुल लेना टाटा कर्व को, पर कई बार ऐसा होता है यार कि हमारे पास पैसे होते हैं आईफोन 13-14 प्रो मैक्स लेने के, पर हम फिर भी नहीं लेते, हम नॉर्मल वाला वर्जन लेते हैं, तो अपनी पॉकेट को जरूर देखना, क्योंकि फोन में तो फिर भी इतना ना बाद में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, पर कार में काफी होती है, कार में काफी खर्चे आएंगे, 5-7 साल 10 साल जितना चलाओगे, तो भाई बहुत सोच समझ कर
ये फैसला लेना। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो जो प्लानिंग कर रहा हो, कंफ्यूज हो। तो मिलते हैं किसी और दिन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।